अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आफ्ताब आलम इस्लामिक ऑडियो बुक अजीब रोशनी। रात गुजर चुकी थी, सितारे झिल मिलाकर आसमान में डूब रहे थे, उजाला फैलने लगा था, दुनिया का जर्रा जर्रा चमक उठा, पत्ता पत्ता तरोताज़ा हो गया था। दूर तक फैले हुए रेगिस्तान की ओस से भीगी हुई सफ़ेद रेत बड़ी प्यारी लग रही थी। लगता था रात का समंदर लहरें ले रहा है। रेगिस्तान होने की वजह से अरब में ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, जहरीली हवा भी चलती है जो इंसानों को देखते ही देखते जहर में घोल कर मार डालती है। सारे देश में रेत के इतने बड़े बड़े टीले हैं कि मीलों हरियाली नहीं दिखाई देती, एक भी नदी नहीं। रेत के टीलों की भूल भलैया मुसाफिरों को अपने दामन में ऐसा छिपा लेती है कि फिर उनका पता ही नहीं चलता। अगर अरसे बाद पता भी चलता है तो उनकी हड्डियों का, जो रेत के नीचे दबी हुई उस वक्त सामने आती है जब तेज हवा रेत की जगह एक जगह से उठाकर दूसरी जगह फेंक देती है। यही वजह है कि दुनिया की सैर करने वालों को अरब के अंदरूनी हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन यही रेगिस्तान जो दिन में दोजक का नमूना होता है, रात को अच्छा मालूम होने लगता है और सुबह के वक्त उसकी रौनक और बढ़ जाती है। हमारे नावल की शुरुआत सन 611 ईस्वी से होती है। उस वक्त पूरा हिजाज और सारे अरब में बुतों और सितारों की पूजा की जाती थी। तमाम अरब का हर कबीले का हर आदमी बुतों और सितारों का पुजारी था। लेकिन ये अजीब बात है कि वे बुतों और सितारों को पूजते हुए भी अशर और नशर और बदले के दिन के कायल थे। मुर्दों को दफन करते थे और कब्रों में ऊँटों को इसलिए ज़बह करते थे कि उनका यह अकीदा था कि हशर के दिन इस ऊँट पर सवार होकर चले जाएंगे। वे तौहीद के कायल थे और खुदा को कायनात का पैदा करने वाला मानते थे। बुतों को अल्लाह के दरबार में शफात करने वाला समझ कर उसको पूजा करते थे। सुबह हो चुकी थी, ठंडी हवा चल रही थी, मुस्कुराता हुआ आसमान ऐसा रोशन हो गया था जैसे हसीना मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराने से उसके चांद से चेहरे पर हुस्न की लहरें दौड़कर उसके चेहरे को इतना रोशन कर दे कि वह हुस्न का खजाना बन जाए। उस वक्त मक्का के एक कोने से बहुत ही हल्की सुरीली आवाज़ पैदा हुई जो धीरे धीरे बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि मक्का शहर की गली गली कूचे कूचे घर घर में इसकी आवाज़ सुनी गई। आज अरबों की ईद थी, वे बहुत सवेरे जाग चुके थे और आवाज़ को सुन सुनकर मर्द और बच्चे बैतुल हराम की तरफ दौड़ने लगे। मक्के की गली कूचों में हलचल शुरू हो गई और लोगों के गिरोह तेजी से लपकते नज़र आने लगे। सुरीली आवाज़ अभी तक बुलंद हो रही थी, बड़ी लुभावनी आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुरीला बाजा बजा रहा है। लोग शहर के चारों ओर से तेजी के साथ बैतुल हराम की तरफ और दौड़ रहे थे। वे चमचमाते कपड़े पहने हुए थे और पीले पटके बांधे हुए थे, वे अरबी लिबास में थे। बैतुल हराम यानी खाना काबा बीच शहर वाक़े था। यहाँ वह हरम शरीफ है जिसकी बुनियाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। मुद्दतों तक यह एक खुदा के मानने वालों की पनाहगाह थी, अब बुत परस्तों का कब्जे में था। अरब बड़ी तेज़ी से दौड़ दौड़ कर आ रहे थे, खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे। खाना काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी, बड़ी मजबूत और शानदार इमारत। चारों तरफ ऊँचे ऊँचे शानदार दरवाजे थे। खाना काबा के नीचे एक कुआँ था, कुएँ में मन पत्थर की और धन कुछ छोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर हुए। कुएं की मन के करीब करीब इधर उधर बड़े बड़े दो बुत थे। इनमें से एक बुत किसी खूबसूरत औरत की मूर्ति थी, ऐसा लगता था जैसे कोई परी खड़ी मुस्कुरा रही हो। उस बुत का नाम नाइला था। दूसरा बुत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल का था, ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को चित करके खुश हो रहा हो। उस बुत का नाम असाफ था। तमाम अरब इन हर दो बुतों का एहतराम करते थे और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते थे। बाजा अभी तक सुरीली आवाज़ से बज रहा था, ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना काबा के तमाम दरवाजे बंद थे। यही वजह थी कि अरब में आम तौर से और मक्के में ख़ास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे, उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे, बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत न होती थी। बैतुल हराम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी, जब तक वो दरवाज़ा न खोलते कोई आदमी बैतुल हराम में दाखिल न हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाज़ा खोला, पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए, फिर हर में पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हराम की
इमारत अंदर से भी बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्ला था और बैतुल्ला के चारों ओर काले पर्दे लटके रहते थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था, बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए जरूरी थी। बैतुल हराम में इतनी भीड़ हो गई कि तिल धरने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चहेते बुतों की ओर दौड़ा। वहाँ बुध भी सैकड़ों थे, अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे, काले लाल सफ़ेद। बाजा अभी तक बज रहा था, अब घंटे शंख और झांझ भी बजने लगे थे। हर बुध पत्थर के चबूतरे पर गड़ा था, हर बुत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदे में पड़े हुए थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पड़े। बुत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नज़र से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे में ही पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जर्रों को उठा उठा कर उड़ाने लगी। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था, धूप चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वह तेजी, वह चमक, वह गर्मी न थी जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज्यादा धूप फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि हवा में और तेजी आ गई। सभी ने घबरा कर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और आग के शोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और डर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल शाही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवा जाते रहे। वो एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदे में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज से कहा, रो गिड़गिड़ाओ बुतों के पुजारियों, खूब रो, बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो। रोने की एक आम आवाज बुलंद हुई, लोग चीखने और चिल्लाने लगे, रो रो कर बुतों से इस बला से बचे रहने की इल्तिजा करने लगे। हवा इतनी तेज हो गई थी कि खड़े हुए झटका खाकर गिरने लगे थे। सूरज जैसे छिप गया था, दिन रात में बदल चुका था, कोई चीज नजर न आती थी। हवा के तेज झोंके रेत के ढेर ला लाकर उलट देते थे। अबू तालिब और उनके भाई जो खाना काबा की छत पर थे, चबूतरे के नीचे पड़े हुए थे। अबू लहब न जाने कैसे उनसे अलग हो गया। हवा ने उसे उठाया और छत से नीचे गिरा दिया। उसने खौफनाक चीख मारी, पर उसकी आवाज चीखों की आवाज में गुम होकर रह गई। मक्के पर कहरे इलाही नाजिल हो रहा था। बच्चे और बूढ़े सब के सब चीख रहे थे, चीख और चिल्ला रहे थे, रो रो कर अपने माबूदों से इल्तिजा कर रहे थे, पर उनके माबूद पत्थर के थे, वे कुछ सुनते ही न थे। लोगों की घबराहट बढ़ रही थी, उनके दिल कांप रहे थे, यहाँ तक कि वे चीख चीख कर रोने लगे। खुदा को उनकी आवाज पर रहम आया। तेज हवा के झोंके कम होने लगे, अंधेरा छटने लगा, उजाला बढ़ने लगा। थोड़ी देर में हवा थम गई, गर्द और धूल छट गई, सूरज चमकने लगा। अरबों की जान में जान आई, वे उठ खड़े हुए। अभी ये लोग खड़े हुए थे कि पश्चिम की ओर से एक अजीब किस्म की रोशनी और चमक देखी। लोगों की हैरानी बढ़ गई, इससे पहले उन्होंने ऐसी रोशनी न देखी थी और न ऐसी चमक। अभी वे हैरान हो ही रहे थे कि एक बूढ़े ने बुलंद आवाज से कहा, ए शरीफ अरबो, तुम इस रोशनी और चमक को देखा? आओ मैं तुम्हें बताऊं कि क्या बात है। सब लोग उस तरफ दौड़ पड़े। बूढ़ा एक ऊंचे चबूतरे पर बैठकर कहने लगा, सब खामोश हो जाओ, ऐसे खामोश कि मेरी कमजोर आवाज तुम में से हर आदमी सुन सके। खामोशी के साथ खड़े सब उस बूढ़े को तकने लगे। इस बीच अबू तालिब और उनके भाई भी खाना काबा की छत से उतरकर बूढ़े के करीब आ खड़े हुए। उस वक्त बैतुल हराम में मरघट जैसी खामोशी छाई हुई थी। हर आदमी चुपचाप खड़ा बूढ़े को देख रहा था। अबू लहब, जो खाना काबा की छत से लुढ़क गया था, उसके पाँव पर चोट आ गई थी, वो लंगड़ता हुआ चलकर अबू तालिब के पास खड़ा हुआ और बूढ़े को गौर भरी नजरों से देखने लगा। दोस्तों, अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाहु खैर।